उत्तर भारत सहित देश भर के इन राज्यों में होगी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की झमाझम बारिश। उत्तर भारत में पश्चिमी क्षोभ बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य पर भी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते झमाझम बारिश का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। मानसूनी ट्रफ लाइन भी अपनी सामान्य स्थिति के उत्तर में स्थित है, जो कि उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों तक गुजर रही है। राजस्थान राज्य के भी इन जिलों में गरज और चमक के साथ बारिश देखने को मिलेगी। राज्य में सामयरात्रि के दौरान बैतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली व अलवर जिले में कहीं कहीं पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। 24 अगस्त को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में भारी से भी अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में भी अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। हरियाणा राज्य में पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, फरीदाबाद, पलवल, मेवात में बिखरी हुई हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुरुक्षेत्र, करनाल, केथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ जिले में कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य के भी पूर्वी, मध्य और पश्चिम के 30 जिलों में अगले दो दिनों तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी। राज्य में अगले दो दिनों के दौरान बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बरेली, पीलीभीत के आसपास के जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर के आसपास भी बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली समेत लगभग 65 जिलों में गरज और चमक के साथ बारिश के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मध्य प्रदेश राज्य के भी इन जिलों में होगी अत्यधिक भारी बारिश। डिडोरी, छतरपुर, निवाड़ी, भिंड जिले में, जबकि मध्यम से भारी बारिश होगी सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, मुरैना व श्योपुर कला जिले में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार राज्य में भी 24 और 25 अगस्त को लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम तो कुछ जिलों में भारी बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़ राज्य में 24 अगस्त को उत्तरी छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश के आसार बने हुए हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश के ही आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय में 24 से लेकर 26 अगस्त तक विभिन्न क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल में भी अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ बारिश हो सकती है। मौसम से जुड़ी है जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।